सी हल्की उस साइड में बीच है। सबसे फेमस मुझे लगता है गोवा की बीच है, जो गोवा पे लोग जाते हैं। वेलकम गाइज, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बाद होंगे। सो गाइज वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। मैं हूँ हाशिम और आज हम जिस वीडियो पर एक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली है बड़ी ज़बरदस्त। वो है अनडाइल्यूटेड डायरीज की पाकिस्तानी विजिट इंडिया पार्ट 4, अ बीच विद डीप हिस्ट्री अनदर बीच विच इज मेकिंग हिस्ट्री। देख लेते हैं कौन सी ये वीडियोस हैं। इनकी पहली वीडियोस भी की है हमने, वो भी जाकर देखो तो ज़रूर देखना, ये भी वीडियो शेयर जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है, वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज और ये है पाकिस्तानी विजिट्स इंडिया पार्ट 4। और आज मैं आपको दो ऐसी जगहें लेकर जाने वाली हूँ जिनमें से एक के साथ तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है और दूसरी ऐसी जगह जो हिस्ट्री बना रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको दो जगहें वो दिखाऊं, मैं आपको कैलिकट या कोड़ीकोड जो असल में इसका नाम है, वहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट रहमत होटल लेके जा रही हूँ। और ऐसे कहते हैं कि अगर आप कोड़ीकोड कैलिकट आते हैं और यहाँ पे आपने खाना नहीं खाया तो आपने बहुत बड़ी चीज़ कुछ मिस कर ली है। यहाँ की बिरयानी सबसे ज़्यादा मशहूर है, ये जगह बहुत ज़्यादा पैक्ड रहती है और अगर आपको आसानी से जगह मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए लोग काफ़ी देर तक वेट करते हैं। आपको मिल गई है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसे बीच में जिसके साथ बहुत बड़ी हिस्ट्री इंडिया की जुड़ी हुई है। कपाट बीच वो जगह है जहाँ पे मई 1498 में वास्को डी गामा ने पहली मर्तबा इंडिया की ज़मीन पर कदम रखा था। तो हुआ कुछ यूँ था कि उस टाइम पुर्तगाल के जो किंग थे उन्होंने वास्को डी गामा को चूज़ किया ताकि वो समुद्री रास्ता कोई तलाश कर सकें, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडिया के दरमियान तिजारत या ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू हो सके। तो वास्को डी गामा निकल पड़े अपने वोयेज में। ऑलमोस्ट पूरा अफ्रीका घूमते हुए वो पहुँचे पोर्ट ऑफ मलिंदी पर। कहा जाता है कि वास्को डी गामा की वहाँ पे मुलाकात होती है एक अरब नेविगेटर से जिसका नाम अहमद इब्ने माजिद था और अहमद इब्ने माजिद को लायन ऑफ सी बुलाया जाता था। कहते थे कि उनकी जो नॉलेज थी सी रूट्स के बारे में बहुत ही आला थी। जब वास्को डी गामा कोड़ीकोड पहुँचे या कोस्ट ऑफ मलाबार पहुँचे तो कोड़ीकोड के जो कुछ लोकल्स थे उन्होंने वास्को डी गामा के बंदों से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो वास्को डी गामा के लोगों ने कहा कि हम यहाँ क्रिश्चियंस और स्पाइसेस के लिए आए हैं। आप जानते हैं ये जो काली मिर्च है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको ब्लैक गोल्ड उस टाइम पे कहा जाता था। इनफैक्ट आज भी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। उस टाइम पर यूरोपियंस के लिए ये ब्लैक गोल्ड इतना कीमती बन गया था कि जो वहाँ के एलीट्स होते थे वो इस ब्लैक गोल्ड को एज अ सिंबल ऑफ हाई स्टेटस के लिए इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे खड़ी होकर कुछ यूँ सोच आई कि अगर उस वक़्त वास्को डी गामा ना आते यहाँ तो शायद आज इंडिया और पाकिस्तान की एक डिफरेंट ही बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्ट्री होती। लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा होता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हम आज एक दूसरे के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़रूर कर सकते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट सर्विंग द ह्यूमैनिटी इन विच एवर वे वी कैन। और ये है वो मॉन्यूमेंट जहाँ पे एग्जैक्टली वास्को डी गामा ने लैंड किया था। मेरे कैमरे का नाइट विजन इतना ख़ास नहीं है तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ इस मॉन्यूमेंट की। वास्को डी गामा लिखा भी हुआ है। तो चलिए मैं अब आपको लेकर चलती हूँ दूसरे बीच पे। पहली चीज़ जो मैं नोट करती हूँ कि इन रेलवे ट्रैक्स के थ्रू जाते हुए मुझे कोहोटा के रास्ते याद आ जाते हैं।
तो अभी जिस बीच में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ उसका नाम मैं नहीं प्रोनाउंस कर सकती, मुझे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन मैं उसका नाम नीचे लिख देती हूँ। ये जो बीच है ये लॉन्गेस्ट ड्राइविंग बीच इन एशिया है और टॉप 6 बेस्ट बीचेस फॉर ड्राइविंग इन द वर्ल्ड है। ये जो बीच है ये 5.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पे है, तो जब भी एक इंसान थोड़ा बहुत थका हुआ हो और दिल कर रहा हो एक लॉन्ग ड्राइव बीच साइड में करने के लिए, यहाँ पे आराम से लोग आके रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे तो मतलब गाड़ी भी सीख सकते हैं। एक चीज़ तो मैं ज़रूर आप लोगों को हाईलाइट करना चाहती हूँ और वो ये है सफाई। इससे पहले वाले बीच कपाट बीच में और इस वाले बीच में आप दोनों में देख लें सफाई का निज़ाम बहुत ही बेहतरीन है यहाँ। हाँ यार, दूर दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा। इनफैक्ट अगर आप गौर से देखेंगे तो जो मिट्टी का जो रंग है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही दिखेगा आपको जब पानी उसके ऊपर से गुजर रहा होगा। मतलब पानी और इतना अच्छा सफाई का निज़ाम थ्रू आउट केरला में है। रोड्स हों, स्ट्रीट्स हों, घरों की गलियाँ क्यों ना हो, हर जगह सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। समझ लें 95% मैंने केरला साफ सुथरा देखा है। तो चलिए अब मैं आ चुकी हूँ अपने वीडियो के एंड में। वंस अगेन आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने का। आपके कमेंट्स मेरा दिन बना देते हैं। बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तानी विजिट का सारा खर्चा तो मुझे लगता है यूट्यूब की वीडियो से उठा लेना इन्होंने। तो रही बात बीचेस की, तो यार बीचेस इंडिया में तो बेतहाशा बीचेस है ना। कोई बहुत ही ज़बरदस्त बीच है, कोई थोड़ी सी हल्की उस साइड में बीच है। सबसे फेमस मुझे लगता है गोवा की बीच है, जो गोवा पे लोग जाते हैं और वहाँ पे सारा जाते हैं। वो मुझे लगता है सबसे फेमस बीच वही होगी। सबसे फेमस बीच वही है। और जो है इनकी आवाज़ आपको पता है हमें तो कैसी है, ज़बरदस्त है इनकी आवाज़ का। तो जाहिर है वही तो गेम है इनकी सारी वीडियोस। तो आई थिंक सो वो होता है, वो प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है, जस्ट वो बता रही अपना एक्सपीरियंस के वहाँ जाके उनके साथ क्या हुआ। और वो बीच बड़ी इंटरेस्टिंग थी यार, वास्को डी गामा जो है फर्स्ट टाइम उसी जगह पे लैंड किया था और उसने डिस्कवर किया था वो। और ब्लैक गोल्ड की भी बड़ी अच्छी काली मिर्च, जो कि हम ऐसे ही अंडे के ऊपर डाल के खा लेते हैं काली मिर्च, वो काली मिर्च जो है वो यूज़ मतलब उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे और बड़ी जो है वो नया किस्म की चीज़ थी। तो बड़ी अच्छी इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी। और एक वो जो लॉन्ग उसमें तो आप निकल जाओ उन्हें वाला ड्राइविंग की सीख लो और जो मर्जी कर लो वहाँ जाके। और बड़ा शांत बीच था, लोग नहीं, हाँ लोग नहीं थे और खूबसूरत लग रहा था, बड़ा प्यारा। और सफाई वाकई यार केरला की अच्छी है, हमने जो भी देखी है बीच भी देखे और वो आम रोड्स भी देखी है, तो सफाई वाकई थी केरला में जो है ना। केरला की सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में ही है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का ही है इंडिया में। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा है। बाकी इनकी और वीडियोस भी देखेंगे यार, इस वीडियो को भी प्यार देना जितना हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। 1, 2, 3